स्वागत है आपका पिक्सेल बैक टू ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और गिब के एक और मजेदार से ट्यूटोरियल लिए फिर से मैं आ गया हूं। और गिब के आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पैटर्न। हम पैटर्न को ऐड करना सीखेंगे आज की ट्यूटोरियल में क्लोथ में, तो बहुत ही आसान तरीकों से मैं बताऊंगा आपको। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में मैं ये वाला इमेज को यूज करूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो टी शर्ट है येलो कलर का, मैं इसमें पैटर्न ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसका पहले तो हमने सलेक्शन बनाना है। सलेक्शन हम बनाएंगे पाथ टूल से। मैं ऑलरेडी पहले से ही सलेक्शन बना के मास्क बना रखा है। पाथ टूल को किस तरह से यूज में लिया जाता है इसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देख लेना। बहुत डिटेल में मैंने समझाया कि पाथ टूल को आप कैसे यूज में लेंगे। ठीक है, मास्क को कैसे ऐड किया जाता है सिलेक्शन में वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं इसको पहले तो राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसी के ऊपर राइट क्लिक एंड यहां से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका मास्क टू सिलेक्शन, और इस मास्क को मैं डिलीट कर दूं ताकि मैं फिर से आपको बता सकूं कि कैसे मास्क ऐड होता है। ठीक है, अब जब आप पाथ टूल से सिलेक्शन बना लोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जब सिलेक्शन बना के एंटर करोगे तो ये मार्चिंग एड्स चलने लग जाएंगे कुछ ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नीचे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लेयर के पैनल में आपको मिल जाएगा मास्क का बटन, एड लेयर मास्क। यहां से आपने सेलेक्ट करना है सिलेक्शन और ऐड कर दीजिए। देखिए इस लेयर के साथ एक मास्क आ गया। ठीक है, अब इस सिलेक्शन को आपको नन करना है, सेलेक्ट में जाएंगे नन कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी, और ये है जी हमारा असली वाला इमेज। तो ये देखिए हमारा नीचे वाला जो इमेज है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ और शो कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो टी शर्ट है वो हमने सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, अब मैं इसमें चाहता हूँ पैटर्न ऐड करना। ठीक है, चलिए पैटर्न को भी ऐड कर लेते हैं। तो पैटर्न को ऐड करने के लिए आ जाएंगे इस मास्क के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे और इस मास्क का सिलेक्शन बनाएंगे। तो मास्क का सिलेक्शन बनाने के लिए मास्क टू सिलेक्शन को क्लिक कीजिए, तो ये देखिए मार्चिंग एंड्स इस तरह से चलने लग जाएंगे। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेंगे, न्यू लेयर में क्लिक किया, फिल विद में आ जाइए। यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए अगर नहीं हो तो, और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए एक ट्रांसपेरेंट लेयर हमें मिल जाता है। ठीक है, सो अब हम इसमें ऐड करेंगे पैटर्न। तो ऊपर मैं आपको ले जाऊं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है हमेशा पैटर्न का एक पैनल। देखिए अगर पैटर्न का पैनल इस तरह से आपको नजर नहीं आ रहा है तो एक काम ये कर सकते हैं कि विंडोज में आ जाइए और डॉकेबल डायलॉग्स, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैटर्न। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल पी है इसका शॉर्टकट। जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला जो पैनल है यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे आपको बने बनाए पैटर्न मिल जाते हैं। खैर हम अपना पैटर्न भी बना सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा गेम में, हम अपना पैटर्न किस तरह से बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो ये मैं ये करूंगा कि इसमें हम पैटर्न को ऐड करेंगे। पैटर्न को ऐड करने से पहले ये सेलेक्ट कर लीजिए कि आपने कौन सा पैटर्न इसमें चाहिए। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ कि ये वाला ले लेता हूँ पैटर्न, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे आपको बकेट फिल टूल मिल जाता है। ठीक है, शिफ्ट बी है इसका शॉर्टकट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए कि इसका पैनल आ जाता है, और यहाँ पे हमने ये देखिए यहाँ पे हमने ये पैटर्न सेलेक्ट किया था। ठीक है, चाहो तो एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप पैटर्न फिल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो अपने पैटर्न को। ठीक है जी, तो मैंने ये वाला पैटर्न सेलेक्ट किया, और उसके बाद अब हम माउस के कर्सर को जैसे ही यहाँ पे लाएंगे, देखिए माउस के कर्सर में भी आपको फिल बकेट टूल आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लाके मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी, और ये हो गया जी फिल। ठीक है, पैटर्न को
ठीक है। ऑलराइट, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह से मिल रहा है। अब सिलेक्शन को मैं कर रहा हूं जी नन, सेलेक्ट में जाएंगे नन करेंगे। एक काम ये मैं कर रहा हूं कि मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट भी कर रहा हूं, ठीक है। एक इसका डुप्लीकेट कर रहा हूं, राइट क्लिक कर रहा हूं डुप्लीकेट, और ब्लैक एंड व्हाइट मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए पहले मैं तो इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे मूड में आ जाएंगे, ब्लेंड मूड में, और यहां से मैं ले लूंगा जी मल्टीप्लाई, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, नीचे वाले को हाइड कर रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट के लिए कलर्स में आ जाएंगे और यहाँ पे डीसेचुरेट, और इसको कर देंगे डीसेचुरेट, ठीक है। मूड में आके यहाँ पे ल्यूमा लेंगे और ओके कर देंगे, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ मूड में और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ इस तरह से मिलेगा, या फिर अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कौन सा सूट करता है या कौन सा अच्छा लग रहा है, तो वो आप ले लीजिए, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से मिल रहा है आपको, या फिर कुछ इस तरह से। मैं ये कर रहा हूँ कि एक कोई सेलेक्ट करके एरोस की का मैं यूज करूँगा और देख लेते हैं जी हमें कौन सा मज़ेदार सा लग रहा है, लाइक कुछ इस तरह से, ठीक है। बर्न मैं ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ऑलराइट, तो एक काम ये करेंगे, देखिए इसमें जो पैटर्न है वो रेड कलर का दिख रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर भी मैं चेंज कर दूँ। हाँ आप ये भी कर सकते हो, तो इसके लिए मैं ये करूँगा कि इसी का ही ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसको कर देंगे हम अल्फा टू सिलेक्शन। अल्फा टू सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि सिलेक्शन हम बनाते हैं। अल्फा टू सिलेक्शन का के लिए अलग से वीडियो है और डिटेल में है, मैंने अच्छी तरह से समझाया अल्फा टू सिलेक्शन किस तरह से काम करता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन हमने बना लिया। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ जी फोरग्राउंड में और कोई कलर सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक मैं ये वाला मजेंटा ले लेता हूँ या पर्पल, इस तरह का पर्पल, ऐसा वाला पर्पल, ठीक है। ओके कर रहा हूँ और फिल कर देंगे कंट्रोल कॉमा। ऑलराइट, तो हमें कुछ इस तरह से रेड कलर का मिल रहा है, पर नीचे अगर हम आ जाए लेयर पे, देखिए यहाँ पे हमने हाइड कर रखा है, इसको मैं कर रहा हूँ शो और वापस ऊपर वाले लेयर पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आकर मैं इसका मूड चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर दूंगा इसको लूमा लुमिनस लाइटन ऑनली, ठीक है जी। तो हमें कुछ ऐसा ही मिल जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो। चाहो तो नीचे का भी आप ब्लेंड मूड यहाँ से चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाई अच्छा नहीं लग रहा है तो स्क्रीन, या फिर कुछ और भी आप ले सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। मेरे को वही सही लग रहा था, बर्न कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सिलेक्शन को मैं नन कर रहा हूँ, सेलेक्ट एंड नन, सो हमें कुछ इस तरह से। अच्छा मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, कुछ चीजें आपको बाहर जाती हुई भी नजर आएंगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये करूंगा कि इसी को सेलेक्ट करके मास्क हम अप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ से वाइट फुल ओपेसिटी ले रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। डी प्रेस करेंगे डिफॉल्ट कलर के लिए, डी प्रेस कीजिए, देखिए यहाँ पे ब्लैक आ जाता है फोरग्राउंड में। और यहाँ से मैं ले रहा हूँ पेंट ब्रश टूल को, यहाँ से मैं ये सेकंड वाला ब्रश ले रहा हूँ सॉफ्ट वाला, और साइज अपने हिसाब से देख लीजिए बड़ा छोटा करके, और ब्लैक हमेशा ऊपर ही रखिए, और कुछ इस तरह से हम फेर देंगे, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। ऑलराइट, सो कुछ इस तरह से कर सकते हैं हम। एक काम मैं और करूँगा कि ये जो पैटर्न है, चाहो तो आप थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके आप यूज में ले सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया पोस्ट है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले गेम के ट्यूटोरियल में फिर से हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।